उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक सभी जलमग्न होते जा रहे हैं। आवागमन मुश्किल हो गया है। पूरे प्रदेश में यही हाल दिख रहा है, मानो जैसे आसमान से पानी नहीं आफत बरस रही हो। ये तस्वीरें हैं हल्द्वानी की, जहां बारिश ने कहर ढाया हुआ है। बारिश के चलते ही बिठौरिया शांति विहार इलाके में एक मकान की चार दीवारी गिर गई और मकान भूस्खलन की जद में आ गया। इस घटना से आसपास के लोग भी सहमे हुए हैं। गनीमत रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। है कि इनकी दीवार गिर गई करके, इसलिए मैं भी इस समय मैं पड़ोस में रहती हूँ इनके। कैसे हुआ हादसा, कुछ पता चला? नहीं नहीं बारिश हुई, इसके बाद दीवार ढह गई। नुकसान तो नहीं इसमें? नहीं, कोई जानमाल का कोई नुकसान नहीं। खतरा है? खतरा बहुत है मकान को। अगर रात को बारिश तेज होगी और ज्यादा फ्लो से पानी आएगा तो मकान को ज्यादा खतरा है। दूसरी ओर गोरापड़ाव इलाके में अपने माता पिता के साथ नहर पार कर रहा बच्चा तेज बहाव में बह गया और करीब 1.5 घंटे बाद बच्चे का शव 8 किलोमीटर दूर बेरी पड़ाव क्षेत्र में बरामद हुआ। गौरा पड़ाव जो तहसील लालकुआ का क्षेत्र है, वहाँ पर एक बच्चा अपने रिलेशन में आया था फादर के साथ, दीपक नाम का बच्चा है। वो असावधानी से थोड़ा सा वो नहर पार करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें वो गिर गया, ऐसी सूचना आ रही है। अभी पुख्ता हमारे पास जो है बहुत रिपोर्ट नहीं है। बॉडी मिल गई है, थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे जाके बॉडी मिल गई है। बच्चे के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। क्या अपील है आपको? जनता से मेरा यही कहना है कि किसी नदी नाले या कोई भी जो है ऐसा जल प्रवाह का स्थान है उसमें न जाए। इस समय किसी समय बहुत ज़्यादा फ्लो हो सकता है, वो जीवन के लिए घातक हो सकता है। तो बार बार अनुरोध है कि कदापि ऐसा प्रयास न करें जो उनके जान के लिए खतरा बने। उधर चंपावत में हो रही बारिश से रुक रुक कर चट्टाने धसक रही है, जिससे सीमांत तराई क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र से जोड़ने वाले टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन आलवेदर रोड एक बार फिर प्रभावित हो गया है। मलबा गिरने का ये सिलसिला बीते कई दिनों से जारी है, जिसके चलते आवागमन में भारी समस्या आ रही है। वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए चंपावत जिलाधिकारी ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है और मार्ग बंद होते ही उसे खोलने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का पालन न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन चूंकि लगातार बारिश होने से और ऊपर से बोल्डर आने की वजह से रास्ता खुलता है पुनः बंद हो जाता है, संबंध में हमने विभागों को निर्देश दिए हैं, जो NH है या PWD है, कि आप 8 किलोमीटर के अंतर्गत अप और डाउन में JCB डोजर और ये सब चीज़ें रखेंगे और विभागों को इसमें सख्त निर्देश हैं कि न्यूनतम समय में आपके सारे संसाधन वहाँ उपलब्ध होने चाहिए और रोड खोलने के लिए आप प्रयास करेंगे। और कहीं पर अगर इस तरह की लापरवाही हमें संज्ञान में आती है कि वहाँ पर सूचना के बाद सामग्री नहीं पहुंची और रोड खोलने में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई है, तो जो संबंधित विभाग होंगे, अधिकारी होंगे उनके। बागेश्वर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने मॉनसून को देखते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिससे सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्होंने आपदा के दौरान हर समय राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। प्राधिकरण है, उसकी बैठक यहाँ पे हुई है, जिसमें हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे और जो विभिन्न विभागों की एक SOP बनी है आपदा प्रबंधन के मद्देनजर, उसका समिति द्वारा अनुमोदन भी किया गया है। और अभी हमारे पूरे विभाग आपदा प्रबंधन के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और JCB वगैरह का डिप्लॉयमेंट हो चुका है और कंट्रोल रूम हमारा सभी तहसीलों में ऑलरेडी गतिशील है और जितने भी हमारे चाहे वो खाद्यान्न की बात करें, दवाइयों की बात करें, हमारे दूर दराज एरिया में सब जगह ऑलरेडी सभी चीज़ विद्यमान है। और जो भी वैसे तो अभी तक जो रोड बंद होने की घटनाएं हुई, तो हमारी मेजर रोड कोई भी ऐसी बंद नहीं हुई है, लेकिन जो गांव की हमारी छोटी छोटी सड़कें बंद हो रही, तो उसको तत्परता से विभाग द्वारा खोला भी जा रहा है और आज भी उनको निर्देशित किया गया विभागों को। उत्तराखंड में बारिश के चलते लगभग हर जिले में संबंधित विभागीय अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है, जिससे कहीं भी खतरे की सूचना पर मौके पर पहुंचकर सुविधा मुहैया कराई जा सके। जहां बारिश के अलर्ट को देखते हुए स्थानीय लोगों की सांस अटकी हुई है, वहीं प्रशासन सभी प्रदेशवासियों को चौकन्ना रखने के निर्देश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।